चलें, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके। हमारा यूट्यूब का चैनल है स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि अपनी वीडियो के थ्रू आउट आपको बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शंस प्रोवाइड की जाएं। और अगर आप पहली दफ़ा हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारा प्रीवियस काम, हमारा एक्सपीरियंस और जो भी हमारी एक्यूरेसी चल रही है पिछले मैचेस से प्रेडिक्शंस की, तो आप वो भी ज़रूर चेक करें। बेशक आप किसी के पास भी काम करें या किसी को भी फॉलो करें, तो आप उनका प्रीवियस काम ज़रूर चेक किया करें। दूसरी बात, वीडियोस लंबी हो रही हैं, ठीक है, और आप भी सोच रहे होंगे कि अब भाई 10-10 15-15 20-20 मिनट की वीडियो डाल रहा है तो यार बड़ा देखी नहीं जाती, ये है वो है फलां, इतना टाइम नहीं है। देखो, आप 20,000 की या जितने की भी आप गेम करते हो, 20,000 10,000 5,000, वो मुफ्त में नहीं आता। जो आप उसको स्टेक पर लगा देते हो, ठीक है, बगैर किसी सोच समझ के या कुछ जाने बगैर, तो वो ऐसे ही नहीं आता। और बाद में बोलते हो कि मेरा लॉस हो गया, फलाने ने लॉस करवा दिया या फलाने लॉस करवा दिया। मेहनत करने से दिल घबराता है। मेहनत, वीडियो देखने में क्या मेहनत होती है, चीज़ों को समझने में क्या मेहनत होती है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब इसी बात पर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स का मैच ख़त्म हुआ है ना, अब मेरी मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर वाली वीडियो उठा के देख लो, 20 से 25 मिनट की मैंने बनाई वो वीडियो, लेकिन जो मैंने प्रेडिक्शन थी, बेशक वो सेशंस की थी, बेशक वो फैंटेसी टीम की थी, या बेशक मैच विनर या जो भी आप बेहतर समझते हैं रेट एंट्रीज वगैरह की दी, वो पूरी ठहरी के नहीं ठहरी, आप उठा के देख लो, एक एक चीज़ ऐसे बिल्कुल सेट होकर प्रेडिक्शन में हमारी लगी। तो अगर आपने वो देखी होती तसल्ली से वीडियो, 20-25 मिनट सुकून से समझी होती, बात को सिर्फ समझा होता, वो सिर्फ इस मैच में आपको काम ना आता, ठीक है ना, वो आपको नेक्स्ट मैचेस में भी काम आता, और वो आपका एक सबक हो जाता, लेसन हो जाता, एक आपको एक्सपीरियंस मिल जाता। लेकिन हम लोग जो है ना, वो घबराते हैं, हम लोग चाहते हैं कि बस यार एक मिनट की भी ना हो, एक मिनट की वीडियो हो, उसमें बताया हो कि भाई कल फलां जीतेगा जी, मुल्तान सुल्तान कल जीतेगा जी, कल सब कुछ अपना लगा दीजिए स्टेक पर, ठीक है, ये सेशन यस कर दीजिए, ये नोट कर दीजिए, और आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं, ये गलत है, ठीक है ना। मेरी वीडियोज़ भी पहले 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट की होती थी, मोटी मोटी में बात करता था, ठीक है ना, लेकिन मुझे बाद में खुद दुख होता था कि यार मैं दे तो रहा हूँ लेकिन मैं कुछ सिखा नहीं रहा, मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, मैं अपने इसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि मेरे पेड़ में क्लाइंट आ जाते हैं या दूसरा हो जाता है, लेकिन मैं अपने जो मुझे फॉलो कर रहा है यूट्यूब पर, या मेरा जो भी मेरा मतलब मुझे फॉलो करता है बंदा, उसको कोई चीज़ नहीं सीखने को मिल रही, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वीडियो को लंबा कर रहा हूँ और आपको बड़ी डिटेल्स के साथ मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, और बड़ी डिटेल्स के साथ मैं आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखा करें और बात को समझा करें। अगर आप इसलिए हमारे चैनल पर आए हैं कि आपको जल्दी जल्दी कोई टीम मिले और आप घर को जाएँ, तो आप यहीं से वीडियो को स्किप करें और आप चले जाएँ, ठीक है। यहाँ पर प्रेडिक्शंस के साथ लेसन भी मिलते हैं, ठीक है ना, कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। ये लॉस लॉस के जो रंडी रोने होते हैं ना, ये इनसे मैं खुद भी थक गया हूँ, और मैं नहीं चाहता कि आप सारी ज़िंदगी यही रंडी रोना चलता रहे मार्केट में कि लॉस हो गया। खैर, मैच की तरफ चलेंगे। PSL T20 का आज जो मैच हुआ, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर मैंने ओपन पोस्टली टीम दी थी, फैंटेसी टीम जो दी थी उसमें तकरीबन 65-70% प्रॉफिट हुआ। उसके बाद सेशन जो दिए थे, जैसे बोला था वैसे ठहरे, बिल्कुल तकरीबन 80-90% सेशन हमारे परफेक्ट ठहरे, जो मैंने आपको प्रेडिक्शन प्रोवाइड की थी। वीडियो जाकर आप देख सकते हैं, अभी भी खड़ी होगी, जाकर चेक कर सकते हैं आप, आपको पता लग जाएगा काम का। अब नेक्स्ट मैच है, 18वां मैच है, कल एक ही मैच है, और मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोटा ग्लैडिएटर्स।
दोनों टूर्नामेंट की बड़ी टीम्स, कोयटा थोड़ी सी वीक थी लेकिन जैसन रॉय ने आकर जिस तरह से कोयटा को एज दिया है और कोयटा की एक फॉर्म को बरकरार कर दिया है, तो कोयटा बेशक अब किसी भी टीम को डोमिनेट करने की एबिलिटी रखती है। 12 फरवरी 8 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक और 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच खेला जाएगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वही है, क्योंकि इस मैच में भी जो आज हुआ है इसमें भी कोई ज़्यादा रन्स में चेंजिंग नहीं आई, तो इसका एवरेज स्कोर वही 165 है। सेकेंड इनिंग का भी 158 है। देखें अब आप सोच रहे होंगे सेकेंड इनिंग में लेकिन 130-40 ही क्यों बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है कि अगर आप 150 चेज करने जाते हो तो प्लानिंग कुछ और होती है, जब 182 चेज करने जा रहे हो या 180 प्लस तो प्लानिंग और होती है, विकेट्स गिरते हैं, तो इसलिए जहां 165 से नीचे रन्स हुए तो वो चेज होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको बोला कि अगर इस ग्राउंड में 160 प्लस जो है वो फर्स्ट इनिंग की बैटिंग टफ टाइम देती है सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग अच्छी है तो। लास्ट 10 मैचेस की अगर बात करूं तो पेस बॉलिंग को, अब पेस बॉलिंग की विकेट्स बढ़ती जा रही हैं इस मैच में भी जो ली है, तो 70% लास्ट 10 मैचेस में विकेट्स जो हैं वो पेस बॉलिंग ने ली है। पेस बॉलिंग यहां पर इस विकेट पर, विकेट स्लो है, कटर्स जब लगते हैं अच्छी लेंथ पर बॉल होती है तो विकेट मिलता है, ठीक है। और स्पिन बॉलिंग ने 30%। उसके बाद लास्ट 10 मैचेस की अगर बात की जाए, जो कि बॉलिंग फर्स्ट का जो थोड़ा सा टेम्परामेंट था, थोड़ा सा एजी थे कि बॉलिंग फर्स्ट जीत रही थी मैच को, वो भी थोड़ा सा नीचे आई है। उसकी भी परसेंटेज अब 50-50 पर बात आ गई है पहले बैटिंग और सेकंड बैटिंग, लास्ट 10 मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। वेदर एंड पिच की बात करें, नो रेन, ये 5% भी बस लिखने के लिए ही लिखा गया है, लेकिन कोई बारिश नहीं होगी, विकेट स्लो होगा, सेकंड मैच होगा एक ही विकेट पर, और मे बी कल आपको फ्रेश विकेट भी दिखने को मिल सकता है, क्योंकि आज भी फ्रेश विकेट था, कल वाले विकेट पर ही मैच हुआ, लेकिन विकेट को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मे बी कल का तीसरा मैच भी इसी विकेट पर खेला जाए, तो मे बी थोड़ा सा और स्लो हो जाए या मे बी थोड़ा सा ग्रास आ जाए विकेट पर, तो थोड़ा सा बॉल बैट पर अच्छा आ जाए, ठीक है। तो सेशंस की अगर प्रेडिक्शंस की बात करें, सेशंस की प्रेडिक्शंस में कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आई इस मैच के बाद भी, वही 6 ओवर का सेशन एवरेज जो चल रहा है 47, यही 40, 44, 45 के लगभग ये सेशन गया आज, और 46, 47, 48, 49 ओपन हुआ, ठीक है ना, तो वही बना 55 के 56 रन्स बने, तो सेशंस की एवरेज भी वही है। उसके बाद 10 ओवर का सेशन फर्स्ट इनिंग में भी वैसे ही हुआ, आप सभी के सामने रन्स रुके हैं। 15 ओवर का सेशन यस गया, आज भी ऐसे ही हुआ आपने देखा। 20 ओवर का सेशन अच्छा फिनिश हुआ, लेकिन आज जो था आई थिंक जो 20 ओवर का सेशन था वो बहुत अच्छा फिनिश हुआ, लाहौर कलंदर ने जो फिनिश किया वो बहुत ज़बरदस्त किया। सेकेंड इनिंग का सेशन वही बात आ जाती है कि जो एवरेज चलती आ रही थी 6 ओवर का सेशन आज भी देखा आपने, नॉट गया, 10 ओवर का भी नॉट ही गया, उसके बाद कोई सेशन प्रोवाइड नहीं होते, लेकिन एवरेज रन्स अगर विकेट हाथ में हो तो रन्स बनते हैं इस ग्राउंड में, ये भी है। लेकिन जो अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, आगे में भी आपको आगे मैचेस में ये चीज़ नज़र आए चेज हो, लेकिन अभी तक हमें बड़ा टोटल चेज होता हुआ नज़र नहीं आया। 20 ओवर का सेशन सेकंड इनिंग में 182 रहा है स्कोर, एवरेज स्कोर 20 ओवर का, ठीक है ना, लेकिन 180 भी अब इस बात से ये पता लगता है कि यहाँ पर 180 प्लस भी चेज हो जाता है, ठीक है ना, चेज ना होने की बात ही नहीं है। लेकिन जिस तरह की विकेट पहले होती थी अब विकेट है, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, जो लास्ट 2 मैचेस में विकेट प्ले हुआ है तो यहाँ रन्स बनाना और मुश्किल हो रहा है, स्लो विकेट है, बॉल गीला हो जाता है, बैट पर बिल्कुल नहीं आता। तो खैर प्लेयर्स की तरफ जाएंगे, इस्लामाबाद के की प्लेयर्स जो हैं जो मैच पर पूरा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, की प्लेयर्स बताने का ये मतलब होता है कि अगर ये खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं तो ये मैच में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, आपको इनको मतलब फॉलो करना होगा इनकी परफॉर्मेंसेस को, उसी हिसाब से ही आपने अपना स्टेक जो है जिधर भी लगाना है जिस पर भी लगाना है सोच समझ के लगाइएगा। तो की प्लेयर्स का बताने का यही होता है कि ये गेम को कहीं ना कहीं अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो चेंज कर सकते हैं।
शताब खान रहेंगे इस्लामाबाद के की प्लेयर, बिल्कुल हैं, अभी तक जो चल रहे हैं विद द बैट विद द बॉल ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। एलेक्स सेल्स ये भी वैसे ही हैं, अगर ये चल गए तो फिर ऑब्वियसली वन साइडेड इस्लामाबाद मैच चला जाता है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से ये खेलते हैं, फिर ये खेलते भी तेज़ हैं। उसके बाद कॉलिन मनरो, इनका परफॉर्म करना भी बहुत ज़बरदस्त रही है परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, और इनका परफॉर्म करना भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। आसिफ अली फिनिशर, एज ए फिनिशर इसको आप ले सकते हैं, जहां पर आपको 20 बॉलों पर 40 रन्स या ऐसी सिचुएशन में ये आपको नज़र आते हैं तो आप इन पर स्टेक लगाकर रिस्क ले सकते हैं। फहीम अशरफ, इसको इनको मैं क्यों की प्लेयर्स में रखता हूँ, क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, ठीक है, और विकेट भी ये लेकर देते हैं, और इनको ज़्यादा इनकी इकनॉमी रेट भी होता है वो भी लगभग 8 under 9 रहता है, under 10 ही रहता है, मतलब कि तो इसको आप अपनी फैंटेसी में भी रख सकते हैं, ये एज ए ऑलराउंडर, ठीक है, ये अगर बैटिंग का मौका मिलता तो ये बैटिंग में भी एक अच्छे स्ट्राइक के रेट के साथ आपको रन्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ कोलकाता ग्लैडिएटर्स के की प्लेयर्स की बात करेंगे, जेसन रॉय जिस तरह से आए हैं और पिछला मैच बिल्कुल इन्होंने ही वन साइडेड किया, तो इसी तरह ये भी कोलकाता ग्लैडिएटर के जेसन रॉय की प्लेयर हैं, अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो ये पूरा कोलकाता पर इम्पैक्ट डालेंगे। जेम्स इविंस ये भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और जिस दिन ये परफॉर्म करते हैं तो ये भी मैच को कहीं ना कहीं बदल देते हैं। तीसरे नंबर पर इफ्तिखार अहमद, ये आपको भी वही सिचुएशन आ जाती है, 20 बॉलों पर 40 42 या 35 रन चाहिए, तो ये अगर क्रीज पर मौजूद हैं तो आप इन पर अपना स्टेक डाल सकते हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जहां पर आपका सेशन यस ना हो रहा और ये मौजूद हों तो ये आपके सेशंस को भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ विद द बॉल विद द बैट ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज, विकेट भी लेकर देते हैं, और इनकी इकोनॉमी रेट जो होता है वो भी नीचे रहता है, तो इसको भी आप अपनी फैंटेसी में एज ए ऑलराउंडर रख सकते हैं, ये आपको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न करवा कर देंगे। और विद द बैट ये भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पर रन आपको चाहिए ज़्यादा और बॉलें कम हैं, या आपको कोई थोड़ी सी टफ सिचुएशन है, तो ये भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आपको रन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद नसीम शाह विद द बॉल आपको विकेट भी लेकर दे सकते हैं, और ये आपके मैच विनर भी साबित हो सकते हैं विद द न्यू बॉल और मिडल ओवर्स में, ठीक है ना, और डेथ में ये जिस तरह से ज़बरदस्त बॉलिंग, अगर आपका सेशन नॉट पर है और ये बॉलिंग इनके ओवर्स बचे हैं तो आप रिस्क अपना सेशन नॉट पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इनको इतना मारना आसान नहीं होता, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं, और अंदर बीच बीच में जो स्लो वंस करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग रहती है। तो ये हमारी प्रिडिक्शंस हैं इस मैच की, और फैंटेसी की जो ड्रीम इलेवन फैंटेसी की टीम है, आप इंडिया से हैं कहीं से भी हैं, आप फैंटेसी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो मैं टीम उसकी जो होगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उसको कॉपी कर आप अपने प्लेयर्स वो ऐड कर सकते हैं और फैंटेसी खेल सकते हैं, आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। बाकी ये मैंने आपको सारी प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर दी हैं, बाकी बात आ जाती है सेशंस प्लस रेट एंट्रीज़ और मैच विनर्स वगैरह की, तो ये पेड में कल का मैच जो होगा ये पेड में अवेलेबल होगा, तो काम आप सभी के सामने, आप हमारा प्रीवियस काम भी चेक कर सकते हैं, आप उससे पहले जो हमारा काम था वो भी चेक कर सकते हैं, तो आपने करना इतना कि हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है +9233463424010, ये डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है और ये स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है। ऑनलाइन आईडी के लिए अगर आपने लेनी है, आप कहीं से भी हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कहीं से भी, आपको ऑनलाइन आईडी सेशंस रेट इंट्रीज में विनर्स वगैरह खेलने के लिए, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। 24/7 आवर्स डिपॉजिट विदड्रॉल उसका अवेलेबल है, तो उसका अलग से एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें, अपनी लिमिट बताएं, प्लेस बताएं, आपको आईडी प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे पेमेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, जहां से भी हैं, सब पेमेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, और 24/7 आवर्स डिपॉजिट विड्रॉल उसका अवेलेबल है। तो होपफुली आपको हमारी प्रिडिक्शंस से प्रॉफिट होगा, और दूसरी बात पॉजिटिव रहा करें, चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें,
हम वीडियो बनाना भी इतना आसान नहीं होता, और हम यहाँ टाइम देने आप ही के लिए आते हैं। ज़्यादा हम कुछ ना कर सके तो हमारी इतनी कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, या आपको इतना ज़रूर पता हो कि अगर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते तो आप लॉसेस भी ना करें, ठीक है ना। आपकी प्लानिंग, आप प्लानिंग तो अप्लाई कर सकते हैं ना, रिजल्ट्स तो बाद की चीज़ है, ठीक है ना। रिजल्ट्स तो आना ही होता आप तो होता है, ठीक है ना। हार या जीत वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको प्लानिंग भी अप्लाई करना ज़रूरी होती है। अगर आप प्लानिंग अप्लाई अच्छी करते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, ठीक है ना। अगर रिजल्ट्स फिर बुरे भी आ जाएं, लेकिन आपको पता होता है कि यार मैंने प्लानिंग अच्छी डाली थी, तो इससे आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।